मुंबई में निर्भया जैसी दरिंदगी की वारदात सामने आई है, जहां एक महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप के बाद आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। यह शर्मनाक वारदात मुंबई के साकी नाका इलाके की है, जहां खैरानी रोड पर एक 30 वर्षीय महिला के साथ ये वारदात हुई। महिला को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। इस मामले में जानकारी होने के बाद पुलिस ने दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त साकी नाका थाने पहुंच गए। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष में शुक्रवार तड़के 3:30 बजे एक फोन आया कि मुंबई के साकी नाका में खैरानी रोड पर खून से लथपथ एक महिला बेहोश हालत में पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले गई, जहां महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने IPC की धारा 376 और 307 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। ये थी मुंबई से एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।